हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी मेटालिक आईलाइनर का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरे आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो दोस्तों, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो। पैकेजिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। ब्लू कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है स्विस ब्यूटी मेटालिक आईलाइनर और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मुझे ये मिल गया था। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये ब्लू और ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। ये प्लास्टिक बॉटल में ही है और इसके ऊपर भी यही चीज मेंशन की गई है, स्विस ब्यूटी मेटालिक आईलाइनर। और मेरा जो शेड है ये है 04, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, 04 है। तो यस, इसकी जो शेड नंबर है 04 है। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी जो एप्लीकेटर है बहुत ज्यादा थीन है। बहुत अच्छा लगा था मुझे इसका ये ब्रश। बहुत ही अच्छे से आप विंग आईलाइनर इससे ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक बार आपको इसका हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, वाओ, कितना ब्यूटीफुल सा शेड है। ये ब्लू कलर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, इससे पहले भी मेरे पास ब्लू हेवन का ब्लू आईलाइनर था, तो वो मेरा फिनिश हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। स्विस ब्यूटी का ट्राई किया है मैंने इस बार, तो आप देख सकते हो। तो यस गाइस, कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। मैं इसे एक बार अपनी आईज पर भी आपको अप्लाई कर दिखा देती हूँ। और बाय द वे, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने सगाई मेकअप लुक शेयर किया था अपने चैनल पर, तो उसमें भी मैंने यही वाला आईलाइनर यूज किया था। और यहां पर मैं अगर अपनी बात करूं ना दोस्तों, तो मुझे इस तरह के कलरफुल आईलाइनर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। खासतौर से समर्स में ऐसे आईलाइनर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ब्लैक तो एवरग्रीन है ही, ब्लैक तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दिन कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, कुछ अलग दिखना चाहते हो, नया ट्राई करना चाहते हो, न्यू लुक अगर करना चाहते हो क्रिएट, तो उसके लिए ये आईलाइनर एकदम परफेक्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको और भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैं यहां पर आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी कि इसमें आपको और किस तरीके के शेड मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस आईलाइनर को अपनी आईज पर आपको लगाकर दिखाती हूँ कि ये आईज पर लगने के बाद किस तरीके का शेड देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस मेकअप लुक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही क्विकली वाला मेकअप किया है आज मैंने, मिनटों में आप इसे कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो इस पर वीडियो, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहां पर मैं आपको अपनी आईज पर इसे अप्लाई कर दिखाती हूँ। और फिलहाल मैंने अपनी आईज पर सिर्फ मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हो। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी आईज पर भी अप्लाई किया है और इसमें हल्की सी शाइन भी है, जैसे कि ये मेटालिक आईलाइनर है तो इसमें आपको हल्की सी शाइन भी नजर आएगी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन इसमें कमी ये है दोस्तों कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। जी हाँ, मैं आपको यहां पर एक डेमो दिखा देती हूँ। वैसे तो आपने इसे जब आईज पर अप्लाई किया है तो ये कहीं नहीं जाने वाला है जब तक आप इसे पानी से नहीं हटाएंगे या मेकअप रिमूवर से नहीं हटाएंगे। अगर आप अपनी आईज पर पानी लगाते हैं, पानी टच करते हैं या आपको पसीना आ रहा है, तो ये एकदम से आपकी आईज से हट जाएगा। हल्के हल्के जिस तरह से ये निकलना शुरू हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। सो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक भी इसे फिंगर नेल से टच नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया है, तो सिर्फ पानी के छींटे ही मैंने मारे थे अपनी आईज पर। पानी के छींटों से ये देखिए कैसे निकलने लग गया है ये आईलाइनर। तो यस, ये मुझे इसमें सबसे बड़ी कमी लगी है। जब तक आपकी आईज पर पानी नहीं लगता है या आपको पसीना नहीं आता है, तब तक तो ये आपकी आईज पर टिका रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर पानी टच करेंगे तो आपकी आईज से ये जो आईलाइनर है वो निकलने लग जाएगा। तो यस, ये देखिए, एक तो मैंने मस्कारा बेला वोस्टे का लगाया था तो वो भी निकल रहा है, और साथ में ये देखिए।
हाथों से तो आप देख सकते हो गाइज, ये नहीं निकला है, ये देखिए स्मच नहीं होता है। जब तक आप इसे अपनी आईज पर अच्छे से लगा कर रखेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही आपको पसीना आएगा या आप पानी के टच में आते हैं तो ये आपकी आईज से रिमूव होने लग जाएंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे और लोगों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस आईलाइनर को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, अब मैं टिकटॉक पर नहीं एक्टिव होंगी, अब मैं आपको किसी और ऐप पर नजर आने वाली हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और देश के भले के लिए बात है तो ऑफकोर्स मेरा भी इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो करिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।